मिडिल ईस्ट में गहराते संकट के बीच रूस का कुख्यात हथियार डीलर विक्टर बाउट एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। बताया जाता है कि साल 2022 में अमेरिकी कैद से रिहा हुए विक्टर बाउट ने फिर से अपना पुराना धंधा शुरू कर दिया है। उसके हथियार तस्करी नेटवर्क के कारण उसे मर्चेंट ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है, तो वहीं कई उसे गॉडफादर ऑफ आर्म्स भी कहते हैं। दावा है कि इस बार विक्टर बाउट यमन के हूतियों को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की माने तो रूस भी पर्दे के पीछे से विक्टर बाउट का पूरा समर्थन कर रहा है। दावा है कि इसराइल के खिलाफ हमले के लिए हूती लड़ाके रूस और उसके सहयोगियों से बड़े पैमाने पर हथियारों की खरीदारी कर रहे हैं। बीते दिनों खबर थी कि ईरान ने रूस और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच सीक्रेट बातचीत करवाई है, ताकि रूस लाल सागर की नाकाबंदी के बीच ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप को अपनी एडवांस एंटी शिप मिसाइलें दे सके। दरअसल हूती लड़ाके इसराइल पर अपने हमलों को तेज धार देने के मकसद से लगातार विदेशी हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसराइल को डर है कि हूतियों के हाथ में अगर ऐसे हथियार लग जाते हैं तो वह लाल सागर में और खतरनाक बन सकता है। खतरनाक हथियारों से कमर्शियल जहाजों पर अधिक सटीकता से हमला करने की हूतियों की ताकत बढ़ जाएगी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक बाउट ने साल अगस्त में मॉस्को में हूती नेता से मुलाकात की, जहां $10 मिलियन के छोटे हथियारों की सप्लाई के लिए बातचीत हुई। दावा है कि इस महीने की शुरुआत में शिपमेंट शुरू भी हो सकता है, जिसमें पहली दो डिलीवरी में ज्यादातर AK-74 असॉल्ट राइफलें शामिल होने की बात सामने आई है। दावा है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने अन्य रूसी हथियारों में भी खासी दिलचस्पी दिखाई, जिसमें कॉर्नेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट हथियार शामिल है। बताया जाता है कि बाउट ने अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और अन्य इलाकों में बड़े पैमाने पर हथियारों की तस्करी की। साल 2008 में उसे थाईलैंड में गिरफ्तार किया गया और बाद में अमेरिका में दोषी ठहराया गया था। मौत के सौदागर के नाम से मशहूर विक्टर बाउट ने अफगानिस्तान से लेकर रवांडा तक में संघर्ष को हवा दी। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कहा कि बाउट के पास दुनिया के किसी भी कोने में टन भर टैंक, हेलीकॉप्टर और हथियार ले जाने की क्षमता है। हालांकि अमेरिका ने बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्राइनर के बदले रूसी नागरिक विक्टर बाउट को रिहा किया था। वहीं विक्टर बाउट को लेकर आ रही खबरों पर रूसी सरकार ने भी पलटवार करते हुए उन रिपोर्टों को खारिज किया है, जिसमें दावा किया गया था कि कुख्यात हथियार डीलर विक्टर बाउट हूती विद्रोहियों के साथ हथियारों के सौदे में शामिल है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने भी प्रतिक्रिया दी है। दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हम इसे फर्जीवाड़े या हमारे नेताओं के खिलाफ मौखिक हमले की कोशिश की कैटेगरी में रखते हैं।